उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड इलाके के 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 1 फरवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल कर सकेंगे। 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रत्याशी को सुविधा वेब पोर्टल suvidha.eci.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के रण के तहत 59 अन्य प्रत्याशियों के तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी अनिकेत फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिकेत, तीसरे चरण के चुनावों के लिए प्रत्याशी आज से ताल ठोकना शुरू हो जाएंगे और 1 फरवरी तक नामांकन जो है वो हो पाएगा। क्या फिलहाल जो रणनीति है सभी पार्टियों की ओर से इस तीसरे चरण के चुनाव के लिए बन रही है, क्या जानकारी? देखिए, प्रयास और की एक बड़े जनता और हालांकि अगर चरण के शुरू हो गई है और जो प्रत्याशी तीसरे चरण में जिनको उम्मीदवार बनाया गया है सभी प्रत्याशी अपना नामांकन और लगातार जो प्रत्याशी है उन लोगों के बीच में ये प्रयास है कि जनता के बीच में एक प्रभाव बनाया जाए, एक बड़ा जनता जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो चाहे दलित या समाजवादी पार्टी हो या और अन्य विपक्षी दलों की चाहे कांग्रेस की बात करें बसपा की, सभी राजनीतिक पार्टियां सब कहीं ना कहीं पूरी समर्थन कर चुकी है और प्रयास में उत्तर प्रदेश एक बड़ा जनाधिकार जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने कार्यकाल अपने पहले चुनाव को दोहराना चाहती है कि वही विपक्षी दलों की जो बात है तो विपक्षी दलों ने पिछले चुनावों में अधिक प्रदर्शन नहीं किया था और हमारी शिकस्त मिली थी वो विपक्षी दल अभी प्रयास में है कि पिछले बार के जो समीकरण है जो आंकड़े हैं उन्हें बदला जाए और उनको बदलने के साथ साथ सत्ता में तब्दीली की जाए। हालांकि लगातार दल पूरी तरह से प्राप्त कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल, चलिए निकेत, तीसरे चरण के लिए आज से चूंकि मतदान नामांकन जो मतदान की प्रक्रिया के लिए शुरू हो रहा है, 1 फरवरी तक नामांकन की अंतिम तिथि है। इसके लिए 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। 16 जिलों की 59 सीटों पर 59 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 20 फरवरी को होगा। जो भी इस चुनाव में ताल ठोकेंगे और उसके बाद में एक नई सरकार उत्तर प्रदेश को 10 मार्च को मिलेगी।